हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मिनी कटोरी ढोकला। ये ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सा बनता है, तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया आधा कटोरी दही, 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 2 चम्मच पीसी चीनी। साथ ही में मैंने डाल दिया पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक बैटर रेडी कर लेते हैं। देखिए, विस्पो से हम इसको अच्छे से फेंटते रहेंगे जिससे एक अच्छा सा बैटर रेडी हो जाएगा। अब इस बाउल के ऊपर मैंने एक छन्नी रख दी है और इसके अंदर डाल दिया 1 कप बेसन। इस बेसन को हम अच्छे से छान कर इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही में मैंने डाल दी है पिंच ऑफ हल्दी। अब लास्ट में पानी डालकर इसका एक बैटर हम रेडी कर लेते हैं। ध्यान रखें कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने, इसको अच्छे से हम फेंटते हुए एक बैटर रेडी कर लेंगे। देखिए कितना स्मूथ सा हमारा बैटर जो है रेडी हो गया है। लास्ट में मैंने ले लिया है इनो का एक पाउच और इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे डालने से जो हमारे ढोकला है वो बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट से बनेंगे। इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब ढोकला बनाने के लिए मैंने जो है छोटी छोटी कटोरियाँ ले लिया है, इसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने बैटर रेडी किया था वो हम इसके अंदर डालकर इसे एक बार नीचे टैप कर देंगे जिससे जो एक्सेस एयर होगी वो निकल जाएगी। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसके ऊपर एक प्लेट रख दी है और जो कटोरिया हमने रेडी करी थी वो रख देते हैं। इसे ढककर हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम स्टिक से चेक कर लेंगे कि हमारे ढोकला रेडी हो गए हैं कि नहीं। साथ ही में मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा डाला है रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिलीज और थोड़े से कड़ी पत्ता। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 गिलास पानी और 2 से 3 चम्मच चीनी। इन सबको एक बार हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। अब मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसके अंदर नींबू का रस। इसे हम एक उबाला आने तक पका लेते हैं। अब जो हमने ढोकला रेडी करा था उन्हें डीमोल्ड कर लेते हैं कटोरी के अंदर से। चाकू से साइडों से मैं इसे निकाल कर इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी से हमारे ढोकला जो है रेडी हो गए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। लास्ट में जो हमने सिरप रेडी करा था वो हम इन ढोकलों के ऊपर डाल देते हैं इसे, और ये जूसी बन जाएंगे। अगर आपको हमारी ये ढोकले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।